छत्तीसगढ़ की बात करेंगे क्योंकि यहां पर भी रायपुर की दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अब बीजेपी के अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी तैयारियों में यहां पर पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी कभी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है और बता दें कि कांग्रेस ने नाम तय किया है। रविवार को अंतिम बैठक में दो नामों पर काफी देर तक चर्चा चली है। युवा नेता पर भी कांग्रेस दांव खेल सकती है। इसमें सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आया है वो आकाश शर्मा का नाम सामने आया है। दूसरा बड़ा नाम सामने आया है प्रमोद दुबे का। इन दोनों में से एक नाम पर मोहर लग सकती है। इधर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। तो यहां पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने पत्ते खोल चुकी है। अब बारी है कांग्रेस की। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी काफी चिंतन मंथन मनन का जो दौर है वो चल रहा है और नाम को लेकर यहाँ पर जो रस्साकसी है वो देखने को मिल रही है। रविवार को एक बैठक हुई थी, इसमें दो नामों को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई है। दो नामों को लेकर मंथन किया गया है और कहा यह जा रहा है कि दोनों नामों में से किसी एक नाम पर अब जल्द पार्टी मोहर लगा सकती है और प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कल थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा। देखिए कांग्रेस की तो ये पुरानी परंपरा है कि इनके इतने दावेदार होते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार होते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि विधायक बने, परंतु घोषित होने के बाद आपने देखा होगा कोई स्वर किसी ने कोई बात न मीडिया में आई न सामान्य तौर पर आई, सभी लोग काम पे लग गए हैं। परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है, वो लोग एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि अभी तक इनकी टिकट अभी फाइनल नहीं हुई है। तो बता दें कि यहाँ पर अब प्रत्याशी के नाम को लेकर कांग्रेस में जो मंथन है वो लगभग खत्म हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर दीपक वैज ने भी दावा किया है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस आज ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। तो युवा चेहरों पर पार्टी दांव खेलने की तैयारी कर रही है और युवा चेहरे को यहां से मौका दिया जा सकता है। तो बता दें कि रायपुर की दक्षिण सीट जिस पर अब उपचुनाव होना है, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बीजेपी ने अपने पत्ते सबसे पहले खोल दिए और अब बारी है कांग्रेस की। और अगर कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस बार काफी विचार विमर्श करके अपने प्रत्याशी का चयन करेगी। कहा यह जा रहा है कि युवा चेहरे पर जो है वो पार्टी दाव लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि दीपक वैश ने कहा है कि आज पूरी संभावना है कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए तैयारी कर रही है। और पिछले अगर हम बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने सबसे पहले अपना पत्ता खोला, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लेकर दावेदार को लेकर कई तरह से मंथन करते हुए नजर आ रही है। बैठकें हुई, बैठकों में भी कल काफी लंबी बैठक चली है और उनमें दो जो बड़े नाम हैं वो काफी चर्चा के विषय यहां पर राजनीतिक गलियारों में पूरे रायपुर में बना हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दक्षिण का चुनाव है और दक्षिण के चुनाव में इस बार कांग्रेस के सामने 35 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि उनके सामने बृजमोहन अग्रवाल का चेहरा नहीं है बीजेपी से। तो इसलिए कांग्रेस लगातार ये मंथन कर रही है कि ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है दक्षिण उपचुनाव को, दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस को जीत दर्ज कराने का। और ऐसे में ये पूरा तैयार कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की वहां पर जीत हो और इसीलिए प्रत्याशियों की चयन में कांग्रेस जो है पूरी रणनीति और पूरी तैयारी जो है करते हुए नजर आ रही। हालांकि दो नामों पर जो चर्चाएं जो बनी हुई है, वो पहला नाम प्रमोद दुबे है जो कि रायपुर नगर निगम के सभापति हैं और काफी अनुभवी नेता हैं, इसी रायपुर शहर में महापौर भी वो रहे हैं। दूसरा जो नाम है वो युवा कांग्रेस से आकाश शर्मा का नाम है, जिस नाम पर जो है यूथ जो है संगठन काफी युवा जो है उससे काफी जुड़े हुए हैं। इन दो नामों पर जो है कल ये बताया जा रहा है कि अंततः दो नामों पर ही चर्चा हो सकती है। और क्योंकि दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी थी, लेकिन ये दो ऐसे नाम है जो रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आ रहे हैं। लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है कि इन दो नामों में कौन से नाम पर मुहर लगेंगे। हालांकि पूरे अगर हम राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो आकाश शर्मा का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन
अगर प्रत्याशी आकाश शर्मा और प्रमोद दुबे में अगर हम अंतर की बात करें तो प्रमोद दुबे काफी अनुभवी नेता है, रायपुर में उन्हें बतौर महापौर के रूप में उन्होंने काम किया है, तो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, सभापति के रूप में काम किए हैं तो इसी रायपुर में सभापति, वर्तमान में सभापति हैं तो इसी रायपुर में जनता से अभी भी वो सीधे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ये मंथन कर रही है कि जो नेता जनता का नेता हो, जो जनता से सीधा जुड़ा हो, उसे मैदान पर उतारा जाए या फिर युवा चेहरे को मैदान पर उतारा जाए जो अभी तत्काल में अपनी पूरी रणनीति के साथ, ऊर्जा के साथ मैदान पर रहे, लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करे, लंबे समय तक चुनाव मैदान पर वो खड़े रहे, ऐसे प्रत्याशी को चुने, इस बात पर मंथन चल रहा है। इसी को लेकर कल बैठकें भी हुई है, लेकिन अब जो बयान आए हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज का, उन्होंने ये कहा है कि आज भले ही देर हुई है लेकिन आज देर शाम तक जो है, यानी आज करीब एक डेढ़ घंटे के बाद ही शाम तक का उन्होंने समय दिया ताकि शाम तक जो है जो प्रत्याशी के नाम है वो घोषित हो जाएंगे और दक्षिण उपचुनाव को लेकर उनके प्रत्याशी मैदान पर उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ दक्षिण उपचुनाव जीतने का लक्ष्य कांग्रेस लेकर चल रही है। इसको लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया गया और कांग्रेस का ये मानना है कि दक्षिण उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस की वर्तमान की स्थिति, जो कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, जो कांग्रेस में संगठन को लेकर जो दावा किया गया कि कांग्रेस अब एकजुट है, अब किसी के बीच भी कोई ऐसे नोकझोंक नहीं है जो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जो न्याय यात्राएं निकाली, जो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किए, तो इन सब तमाम विषयों पर जो सम्मेलन हुई उनमें कांग्रेस कितनी एकजुट हुई उसका परिचय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में नजर आएगा यदि कांग्रेस की जीत होती है तो। और इसी जीत को, इसी तैयारी को लेकर कांग्रेस जो है पूरी तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों के नाम पर जो अटकलें अभी भी इसी बात पर है कि प्रमोद दुबे या फिर आकाश शर्मा, लेकिन आकाश शर्मा युवा नेता है और युवा कार्यकर्ता है। बिल्कुल अविनाश, और ये एक ऐसी सीट है जो दोनों ही दल जीतना चाहते हैं और कांग्रेस के लिए सीट काफी मायने रखती है, इसलिए तमाम विचार करके यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसका चयन किया जा रहा है। हालांकि नजर लगातार बनाए रखिएगा, बने रहिएगा आप अविनाश हमारे साथ।